आसिफ बेटा, खाला ने क्या कहा? तबीयत ठीक नहीं है उनकी। फिर मेरा ख्याल है डॉक्टर को बुला लेते हैं। डॉक्टर से मना कर रही है, बस बात करना चाह रही थी लेकिन कर नहीं पा रही। हाँ, कभी कभी भूल जाती है बातें करते करते। क्या कह रही थी तुम्हें? परेशान है सदफ के लिए, जल्द से जल्द शादी कर देना चाहती है उसकी। इतनी जल्दी अच्छा रिश्ता कहाँ से मिलेगा? आप ढूंढ कर देना, कोई बात करें। मैंने बात की थी बेटा, लेकिन मुनासिब रिश्ते नहीं मिल रहे। इतनी अच्छी बच्ची है, उसके साथ कोई नाइंसाफी तो नहीं होनी चाहिए ना। अच्छा रिश्ता मिलेगा तो शादी करूंगी उसकी, लेकिन मिल नहीं रहा। तुम्हारे दोस्तों में कोई? मेरे दोस्त का खैर। आसिफ बेटा, तुम क्यों नहीं कर लेते सदफ से शादी? बेटा वो बहुत अच्छी लड़की है, तुम जैसे रखोगे वैसे रहेगी। तुम्हें मोहब्बत देगी, तुम्हारा ख्याल करेगी, तुमसे वफादार रहेगी, तुम्हें कभी धोखा नहीं देगी, और क्या चाहिए? प्लीज मेरी बढ़ती हुई बहन की ख्वाहिश पूरी कर दो, शादी कर दो सदफ से। इकराम साहब, मुल्क के हालात इतने ख़राब नहीं हो गए कि मेरे तीनों कंटेनर रुक जाएं? 30 साल से यही तिजारत कर रहा हूँ। चलें, अल्लाह बेहतर करेगा। ठीक है, ओके। बाबा आपने बुलाया? हाँ यार, तुम्हारी माँ कहाँ रह गई? जब से उसका बेटा आया है उसे हमारी परवाह ही नहीं। काम से गई है बाबा, मामा ने बताया तो था। ओ भाई, उसे जाने से कौन रोक रहा है? पर ये टाइम तो देखो ना, उसकी तबीयत खराब है। और वो अच्छा, मुझे आप ये बताएं, आसिफ कहाँ है? होना कहाँ है? अपने आवारा दोस्तों के साथ आवारा गर्दी कर रहा होगा। बाबा नॉट अगेन। वो भाई, वो तुमसे जेलिस है, किसी वक्त भी तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता है। ऐसा कुछ नहीं है बाबा, हम दोनों अब बड़े हो गए, ये सब बचपन के झगड़े हुआ करते थे। अब वो भी अच्छे मुकाम पर पहुंच गया, तरक्की कर रहा है। वो जितनी मर्जी तरक्की कर ले, तुम्हारी इंजीनियरिंग की डिग्री के आगे उसकी कोई वैल्यू नहीं। तो अल्लाह का शुक्र अदा करे कि मैंने उसे घर में पनाह दे दी, और ना दर दर की ठोकरें खा रहा था, कोई इससे मुंह ना लगाता। आप नहीं परेशान हो, उसे नहीं फिक्र है ना आपकी, तो आपको भी उसकी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। ओ भाई, मैं उसकी फिक्र नहीं कर रहा, मैं फिक्र कर रहा हूँ तुम्हारी माँ की। तो देखो ना क्या टाइम हो गया, ऊपर से उसकी तबीयत, घर आने को नहीं। आप तो ऐसे परेशान हो रहे हैं जैसे मामा कहीं खो गई हो। अच्छा ये बताएं, इकराम साहब का फोन आया था? हाँ भाई, तीनों कंटेनरों की बात कर रहा था। तुम लोग तो आजादी है, फिक्र ही नहीं कोई, मैं इधर टेंशन ले ही जा रहा हूं। फिक्र ना करें आप, मैं फोन करके पूछ लेता हूँ उनसे, पता चल जाएगा। जाओ जाओ यार, पूछो।